फाइनली फ्रेंड्स, नीट यूजी 2022 का शेड्यूल आ चुका है, जैसा कि हम लोग वेट कर रहे थे। और मैंने एक वीडियो डाल के भी बताया था कि नीट यूजी 2022 की जो डेट हो सकती है वो 17 जुलाई हो सकती है। मैं वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो जेन्यून की तरफ होता है। मैं भी चाहता तो 1-2 महीने पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता, जैसे कि बहुत सारे फेक चैनल्स करते हैं, मई में होगा एग्ज़ाम, देन जून में होगा एग्ज़ाम, देन जुलाई में होगा एग्ज़ाम। इस तरह का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। और अगर आप इस तरह के वीडियो के आदि हैं तो फिर आप बहुत सारे ऐसे लाखों फेक चैनल हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे केवल जेन्युइन चलेगा। और इस चैनल की यही विशेषता है, यहाँ पर अगर किसी ने भी गलत इन्फॉर्मेशन दी, चाहे वो कितना बड़ा तोप हो या आपके लिए बहुत ही बड़ा हो, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे दूसरों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं मेरे ही चैनल पे, तो कृपा करके मुझे ये मत बताइए कि कौन किसका डायरेक्टर है, कौन कितना बड़ा कोचिंग वाला है, कौन एजुकेटर है। मुझसे उससे मतलब नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट देम। मैं केवल आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, बस इतना रिलेशन काफ़ी है। तो हम नीट यूजी 2022 में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे किस तरह से आपको प्रोसीड करना है इन आने वाले 2-3 महीनों में। 100% अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए हैं और सर्वाइव कर गए लास्ट तक तो अच्छा कर जाओगे, नहीं सर्वाइव कर पाए तो फिर बात नहीं, अलग है। लेकिन सर्वाइव कर गए, क्योंकि यहाँ पे केवल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और जो गलत रहेगा उसको मैं गलत कहूँगा, चाहे वो आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैटर नहीं करता मुझे। मेरे लिए सब्सक्राइबर, व्यूज़ और कितने काउंट हो गए क्या, ये सब मैटर नहीं करता है। कितने आए कितने गए मैटर नहीं करता। आपको अच्छा लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज जा सकते हैं। दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट है नीट यूजी 2022 में, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डेट की जहां तक बात है, 17 जुलाई, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या आएगा, ये सारी डिटेल्स आपको ब्राउचर में मिल जाएंगे। अभी तक बहुत सारे वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे और सारी इन्फॉर्मेशन लगभग आपको क्लियर हो गई है। पहला इम्पोर्टेंट 17 जुलाई एग्ज़ाम। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम का मोड क्या है। एग्ज़ाम मोड है पेन एंड पेपर, जिस तरह से 2021 का एग्ज़ाम हुआ, सेम उसी पैटर्न में 2022 का एग्ज़ाम होगा। तीसरा, किस तरह से पेपर का पैटर्न है। पेपर का पैटर्न 2022 जैसा फॉलो कर रहा है, 2021 जैसा फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए पॉजिटिव ये है कि इस बार 200 क्वेश्चंस 200 मिनट में होंगे। लास्ट टाइम क्या था, 200 क्वेश्चंस 180 मिनट, और 200 में से 180 लास्ट ईयर भी काउंट किए गए थे, इस बार भी 200 में से केवल 180 ही काउंट किए जाएंगे। मींस सेक्शन ए कंपलसरी होगा, सेक्शन में जितने क्वेश्चन हैं उसमें से जितने भी आते हैं वो आप करेंगे, 35 जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि हम क्वेश्चन तो सारे देखेंगे, तो हमको 200 क्वेश्चन रहेगा तो 200 मिनट मिलना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, 200 क्वेश्चन थे लेकिन 180 मिनट ही मिले, क्योंकि बच्चा अगर देखेगा तो 180 क्वेश्चन नहीं, फिर वो 200 क्वेश्चन देख के ही करेगा, तो उसको वो टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन लास्ट ईयर नहीं मिला था। इस बार मिला हुआ है टाइम, इस बार भी आपके 180 क्वेश्चन ही काउंट किए जाएंगे, लेकिन टाइम आपको मिला है 200 मिनट का, 3 hours 20 minutes। ये याद रखिएगा, ये चेंज है कि इस बार आपको 180 मिनट की जगह पे 200 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने हैं, 200 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने ऑप्शनल है, क्या है क्या नहीं है, और यहाँ पे इस बार भी दिया हुआ है कि किस तरह से एम्बिग्यूटी के केस में किस तरह से आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे या काउंट किए जाएंगे, ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं आसानी से, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। अभी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट रह गई। जहाँ तक अपर एज लिमिट की बात है, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, हटा दिया था NTA ने इस बार, तो अपर एज, देर इज नो अपर एज लिमिट, ठीक है। दूसरा, लोअर एज लिमिट एज इट इज, जैसा पहले था वैसा ही है,
ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है यहां पर? जहां तक क्वालिफाइंग मार्क्स की बात है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार सभी इंस्टीट्यूट के लिए वही होगा जो नीट के लिए होता था, चाहे एम्स हो चाहे जिपमर हो, सबके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स वही होगा। 50% 40% मीन्स 50% आपका जनरल का और जो रिजर्व कैटेगरी है उनका 40%। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक है। इसके अलावा कौन सा कोड यूज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, मैं कोड के बारे में आपको एलिजिबिलिटी कोड के बारे में एक वीडियो जरूर डाल दूंगा। कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6, कोड 7, कोडेड पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जिससे कि आपको डाउट नहीं होगा फॉर्म फिलअप में, ठीक है। बाकी ये बेसिक इंफॉर्मेशन रही। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो चेंज होके आ रही है इस बार, वो यही है कि इस बार 200 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर करना है। मींस आपको इस बार छप्पर फाड़ के टाइम मिल रहा है। लास्ट ईयर बच्चों को कम टाइम मिलने के बावजूद भी उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, इस बार तो आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। और प्रैक्टिस ये करिएगा कि अगर आप मॉक टेस्ट करिएगा तो ये टाइम दिमाग में रख के ही करिएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रही दोस्तों, और इसके अलावा कोई और डाउट हो तो जरूर बताइएगा, और कोई और क्वेश्चन हो तो मैं कोशिश ये करूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की। अगर आप मुझसे रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरे पास टाइम रहेगा, मैं जरूर करूँगा आपको रिप्लाई। तो ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। बाकी तो किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, किस तरह से फ़ोटो लगेगी, क्या साइज़ रहेगा, 10 KB, 40 KB, कहाँ चिपकाएं फ़ोटो, क्या चिपकाएं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ, उनके वीडियोस देखने से पहले अपना माइंड जरूर यूज़ करना। थोड़ी सी भी गलती अगर उनके वीडियोस में हो गई तो आपका गलत हो जाएगा फॉर्म। तो बेसिक यही है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है ना, उसको ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरें, क्या करें क्या ना करें, कितने का साइज लें, फोटो लें, सिग्नेचर लें, क्या करें, कैसे चिपकाएं, क्या करें, ये पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ, पूरा एक एक एप्लीकेंट का उसमें पूरा डेटा दिया हुआ है कि कैसे कैसे उसने फॉर्म भरे हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ फोटो चिपकाई है, क्या किए, ये पूरा आप खुद देख सकते हैं उसमें। इसमें किसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि ध्यान से पढ़िए। ध्यान से इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ लेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन रही आपके नीट यूजी 2022 की, और टाइम बहुत कम रह गया तो प्रिपरेशन भी आपको करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उसके बाद आप प्रिपरेशन जारी कर लीजिए। दैट्स ऑल।